वो लाइंस भी सुना दें खयामी साहब की जो आप बता रहे थे। लेडी शायर और शायरों के बीच में क्रिकेट मैच हो रहा है, उसमें बैकड्रॉप में इसको यूज करते हर जगह। हेलो एलएसजी ब्रिगेड, आज हमारी सवारी आ चुकी है हुसैनाबाद हेरिटेज जोन में, जो कि पड़ता है पुराने लखनऊ में, और हमने सोचा आपको इस जगह से मिलवाने के लिए हमारे पास एक बहुत ही बेहतरीन इंसान है, वो है हमारे बड़े भाई हिमांशु भैया। इनसे बेहतर मुझे नहीं लगता लखनऊ का कोई भी जानकार है, तो आज यहाँ का पूरा टूर भैया आपको कराना है। अरे शुक्रिया। तो सबसे पहले इसके बारे में आप हमें बताइए, कहाँ खड़े हैं अभी हम? तो क्या ये है? हम हुसैनाबाद कॉम्प्लेक्स या हुसैनाबाद हेरिटेज जोन में खड़े हैं, जिसे हम असली लखनऊ कहते हैं। तो हमने बहुत पहले कहा भी था कि लखनऊ जो समझना है ज़रा पास आइए, इस काम के लिए बतौर ख़ास आइए। गोमती नगर में लखनऊ मिलता नहीं हुजूर, अमीनाबाद चौक या नखास आइए। तो ये चौक से मिला हुआ इलाका है हुसैनाबाद। ये जो तारीखी इमारत है, बड़ा इमाम बाड़ा या आसफ़ी इमाम बाड़ा, क्योंकि आसफ़ुद्दौला ने जो लखनऊ के नवाब थे उन्होंने इसे बनवाया था। कब बनवाया, क्या पर्पज़ क्या था इसका? लखनऊ में एक बार बहुत अकाल पड़ा, तो पब्लिक के पास, आवाम के पास खाने को नहीं था, गरीबी बहुत थी, भुखमरी बहुत थी। तो आसफ़ुद्दौला ने ये सोचा कि भाई अब हमें पब्लिक को इस मुसीबत से उबारने के लिए कुछ करना चाहिए, तो उन्होंने ये इमारत बड़ा इमाम बाड़ा इसे बनवाना शुरू किया। दिन में ये इमारत बनाई जाती थी, और जब रात होती थी तो रात के अंधेरे में लखनऊ के वो लोग जो कि शुरफा कहे जाते हैं लखनऊ की ज़बान में, वो आते थे और उनसे कहा गया कि आप इसको तोड़िए। इसका एक हिस्सा जो है उसको तोड़ा जाता था और उसके बदले में उन्हें मजदूरी मिलती थी। तो इस तरह से लोगों को रोज़गार देने के लिए, उन्हें अकाल की मुसीबत से उबारने के लिए ये इमारत बनवाई गई। अब कहाँ पर आ गए हम? ये तो ये रूमी गेट है, लखनऊ की सिग्नेचर इमारत जिसे हम कहें हस्ताक्षर इमारत। के लखनऊ का जब जिक्र आता है तो ये लखनऊ और ये रूमी गेट साथ में उभरता है। ये लखनऊ की सबसे बड़ी पहचान है। हमारे भी तो टीम के जो क्रिएटिव्स जाते थे उसमें बैकड्रॉप में इसको यूज करते थे हर जगह। तो ये रूमी गेट है, और वो भी मैं चाह रहा हूँ आप वो लाइंस भी सुना दें खयामी साहब की जो आप बता रहे थे। मुहर्रम में हमारा लखनऊ ईरान लगता था, मदद मौला हुसैनाबाद रोता छोड़ा है। हुसैनाबाद की बड़ी अहमियत है जहाँ पर हम खड़े हैं, लखनऊ का कल्चर जो है उसमें बड़ी अहमियत है। और सागर खयामी पे हम अलग से जब आगे बढ़ेंगे उधर फिर आपसे ये तो सही है, ऑडियंस इससे ग्लूड रहेगी, वो सुनना है तो वीडियो एंड तक देखना। अब हम आ चुके हैं घंटाघर पे, इसकी क्या कहानी? घंटाघर जो है ये हिंदुस्तान का सबसे ऊंचा घंटाघर है। अच्छा, तो ये एक तरीके से लखनऊ के जवाल यानी के बदलने और लखनऊ में जो पुराना कल्चर था उसके पतन की एक यादगार थी कि भैया यहाँ देखो ये अब ये ज़माना बदल गया है। हाँ। अब नया लखनऊ है ये घंटाघर वाला। हाँ। तो नाज़िर साहब का एक पता है कि जिक्र करने के लिए उस गैरत शमशाद का हो कलम ऐसा कि घंटाघर हुसैनाबाद का। अब हम चलते हैं अपने आखिरी उसकी तरफ जो है छोटा इमाम बाड़ा। हाँ। और जिसके बारे में कहा जाता है कि लखनऊ का सबसे खूबसूरत इमाम बाड़ा है। तो अब हम एंड की तरफ आ चुके हैं हुसैनाबाद। बिल्कुल, ये एक छोर है। हाँ। ये छोटा इमाम बाड़ा जिसे हम कहते हैं, जैसे वो इमाम बाड़ा सबसे बड़ा इमाम बाड़ा है, ये इमाम बाड़ा लखनऊ का सबसे खूबसूरत इमाम बाड़ा है। छोटा इमाम बाड़ा जैसे हमने कहा कि बहुत खूबसूरत है, मोहम्मद अली शाह ने बनवाया 1837 से 1842 के बीच में। अब एंड की तरफ हम आ चुके हैं, तो वो खयामी साहब की उन्होंने बहुत नज़में कहीं क्रिकेट को लेकर, तो उनमें से एक ये है जिसका एक बंद मैं आपको सुना रहा हूँ। इस नज़्म में शायरों और शायरात के बीच में यानी लेडी शायर और शायरों के बीच में क्रिकेट मैच हो रहा है, तो ये उसका एक तस्करा है कि बेजार हो गए थे जो शायर हयात से, क्रिकेट का मैच खेल लिया शायरात से। वाकिफ न थे जो दोस्तों औरत की ज़ात से, चौके लगा रहे थे ख्यालों में रात से। आए जो सुबह शाम के नक्शे बिगड़ गए, सुर्रों से हम गरीबों के स्टंप उखड़ गए। चलिए, बहुत मज़ा आया हमें आपसे बात करके, थैंक यू भैया आपने हमें इतना टाइम दिया, और ऑडियंस को भी मज़ा आया होगा तो वो डेफिनेटली कमेंट्स में अपना रिएक्शन देगी। बिल्कुल, थैंक यू वेरी मच।